तापसी पन्नू उन एक्टर्स में से हैं जिन्होंने अपने अभिनय से साउथ ऑडियंस के साथ बॉलीवुड ऑडियंस को भी काफ़ी इम्प्रेस किया है। तापसी आज जिस मुकाम पर है उसे पाने के लिए उन्हें बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ा है। आज हम आपको तापसी पन्नू के बारे में 20 ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। नंबर 1, तापसी का जन्म 1 अगस्त 1987 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम दिलमोहन सिंह पन्नू है और इनकी मां का नाम निर्मलजीत पन्नू है। तापसी की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम शगुन पन्नू है। नंबर 2, तापसी ने अपनी स्कूली पढ़ाई माता जयकौर पब्लिक स्कूल अशोक विहार दिल्ली से की। इसके बाद तापसी ने गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया। तापसी पढ़ाई में काफ़ी अच्छी स्टूडेंट रही हैं। आपको बता दें कि तापसी ने अपने कॉलेज के दिनों में प्रोजेक्ट के लिए फोनसेप नाम की एक ऐप भी बनाई थी। ये ऐसी पहली ऐप थी जो आईफोन के फॉन्ट को चेंज कर सकती थी। नंबर 3, तापसी को शुरू में एक्टर बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तापसी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वे कॉलेज के दिनों में एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए मॉडलिंग किया करती थी। इंजीनियरिंग करने के बाद तापसी एमबीए करना चाहती थी और उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम भी दिया, लेकिन अपने मनपसंद कॉलेज न मिल पाने के कारण तापसी ने दोबारा कैट का एग्जाम देने की सोची। इसी बीच तापसी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक कंपनी में 6 महीने तक जॉब भी की। नंबर 4, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब करते समय तापसी को वी चैनल के गेट गॉर्जियस कॉम्पिटिशन के बारे में पता चला, जिसके बाद तापसी ने तुरंत फॉर्म भरा और कुछ फोटो सेंड की और वे कॉम्पिटिशन के लिए चुन ली गई, जिसके बाद तापसी ने कई विज्ञापनों में भी काम किया। इसके बाद तापसी ने 2008 में पेंटालून फेमना मिस प्लस फेस और साफी फेमना मिस ब्यूटीफुल स्किन का खिताब भी जीता, जिसके बाद तापसी को कई साउथ फिल्मों के ऑफर आने लगे। नंबर 5, तापसी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2010 में राघवेंद्र राव द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म जुमानदी नंदम से की। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन उनकी दूसरी तमिल डबी फिल्म आदु कलाम काफ़ी सफल रही। इस फिल्म में तापसी धनुष के साथ नजर आई। इस फिल्म में तापसी ने अपने से न केवल ऑडियंस को बल्कि फिल्म क्रिटिक्स को भी काफ़ी इम्प्रेस किया। आपको बता दें कि इस फिल्म को 6 नेशनल अवार्ड भी मिले थे। नंबर 6, तापसी आज फिल्म इंडस्ट्री के हिट एक्टर्स की लिस्ट में शुमार हो चुकी हैं, लेकिन तापसी को फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। तापसी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान अपने संघर्ष के बारे में बताया। तापसी ने बताया कि मेरी दूसरी फिल्म तो सफल रही, लेकिन उसके बाद मैंने कई फिल्में की जो कि फ्लॉप रही, जिसके बाद मुझे बैड लक चार्म भी कहा जाने लगा। शुरुआती करियर के बारे में बताते हुए तापसी ने कहा कि एक्ट्रेस मेरे साथ काम करने को लेकर तैयार नहीं थे क्योंकि मैं ए लिस्ट की एक्ट्रेस नहीं थी। कई बार तो मुझे फिल्म के हीरो के कहने के कारण फिल्म से बाहर कर दिया गया। एक प्रोड्यूसर ने तो मुझे फिल्म के लिए फाइनल कर लिया था, डेट भी फिक्स कर ली थी, लेकिन आखिरी वक्त में मुझे फिल्म से बाहर कर किसी बड़ी एक्ट्रेस को ले लिया था। इसके आगे तापसी ने बताया कि एक्टर एक्ट्रेस के एक समान फीस की तो दूर की बात, मुझे तो अपने बेसिक अमाउंट के लिए भी लड़ना पड़ता था। नंबर 7, 2013 में फेमस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म चश्मे बद्दूर का रीमेक बना रहे डायरेक्टर डेविड धवन को प्रीति जिंटा की लुक वाली हीरोइन की खोज थी। साउथ फिल्मों के पॉपुलर फिल्मकार पुरी जगन्नाथ ने उन्हें तापसी का नाम सजेस्ट किया, जिसके बाद तापसी ने फिल्म चश्मे बद्दूर से बॉलीवुड में डेब्यू किया और ये फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही। नंबर 8, इसके बाद तापसी 2015 में बेबी फिल्म में अक्षय कुमार के साथ नजर आई। इस फिल्म में तापसी का रोल बहुत ही छोटा था, लेकिन इस फिल्म में तापसी के अभिनय को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ऊपर की कमाई की। आपको बता दें कि तापसी ने बेबी फिल्म में सबाना की भूमिका निभाई थी और ये करेक्टर इतना पॉपुलर हुआ कि बाद में मेकर्स ने अलग से नाम सबाना की फिल्म रिलीज की जो कि हिट रही। आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए तापसी ने 6 महीने की मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी ली थी। नंबर 9, तापसी को बॉलीवुड में खास पहचान फिल्म पिंक से मिली। ये फिल्म तापसी के करियर का टर्निंग पॉइंट रही। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की। इस फिल्म में तापसी ने अपने से न केवल बॉलीवुड ऑडियंस को बल्कि फिल्म क्रिटिक्स को भी काफी इम्प्रेस किया। तापसी ने अपनी फिल्म पिंक के प्रमोशन के दौरान एक दिलचस्प किस्सा बताया। तापसी ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान मुझे वायरल फीवर हुआ था, जिसके लिए मैंने फिल्म के प्रोड्यूसर सुजीत सर से कुछ दिन बाद शूट करने को कहा, जिसके बाद सुजीत सर ने सोचा कि अगर तापसी इस हालत में शूट करती है तो ये सीन और भी ज्यादा प्रभावशाली लगेगा। उस वक्त मैं कोर्ट रूम सीन की शूटिंग कर रही थी, उसके बाद सुजीत सर ने मुझे फीवर के साथ ही इस सीन को शूट करने के लिए कहा। पहले तो मुझे ये काफी फनी लगा, उस वक्त मेरे पेरेंट्स भी मुझसे मिलने आए हुए थे, वो इस बात से ज्यादा हैरान हुए। फिर मैंने सुजीत सर की बात मान ली और वायरल फीवर के साथ कोर्ट रूम सीन शूट किए, जो कि बाद में देखने के बाद ये सीन काफी परफेक्ट लग रहा था। नंबर 10, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और तापसी पन्नू के बीच विवाद भी काफी चर्चा में रहा। आपको बता दें कि ये विवाद कंगना की फिल्म जजमेंटल है क्या के ट्रेलर की तारीफ से शुरू हुआ था। दरअसल इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद तापसी ने फिल्म के कलाकारों का नाम लिए बिना फिल्म के ट्रेलर की तारीफ की थी। इस पर कंगना की बहन रंगोली ने तापसी पर निशाना साधते हुए तापसी को सस्ती कॉपी कहकर ट्रोल किया था। रंगोली ने अपने ट्विटर पर लिखा था कि कुछ लोग कंगना को कॉपी कर अपनी दुकान चलाते हैं। वहीं जब इस बारे में तापसी से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया तो तापसी ने कहा था कि मैं नहीं जानती कि मैंने उनसे कितनी चीज़ें कॉपी की हैं। अगर मैंने कंगना की तरह अच्छी एक्ट्रेस बनने की कॉपी की है तो मैं इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लूंगी। इसके आगे तापसी ने कहा
कि वो हाई पेड एक्ट्रेस तो नहीं है, इसलिए आप मुझे सस्ती कॉपी बुला सकते हैं। नंबर 11, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म पति पत्नी और वो काफ़ी हिट रही। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की, लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में भूमि के रोल की जगह तापसी को कास्ट किया जाना था, लेकिन बाद में तापसी को बिना कुछ बताए इस फिल्म से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद तापसी ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया था। तापसी ने कहा था कि मुझे इस बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी, मैंने इस फिल्म के हिसाब से अपने अगले प्रोजेक्ट की डेट फिक्स कर ली थी, वाकई में कभी संघर्ष खत्म नहीं होता। तापसी ने कहा था कि मुझे फिल्म से बाहर करने की कोई ठोस वजह भी नहीं बताई गई। वहीं फिल्म के निर्माता ने सफाई देते हुए कहा था कि जब किसी फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी की जाती है तो प्रोड्यूसर कलाकारों से बात करते हैं, इसी तरह हमने भी जब फिल्म पति पत्नी और वो के रीमेक की स्क्रिप्ट पूरी कर ली तो कई कलाकारों से बात की, सभी से बात करने के बाद हमने ये फैसला लिया कि हमारी फिल्म के लिए सबसे सही कलाकार कौन कौन रहेंगे। तापसी पन्नू भी उन्हीं कलाकारों में से एक थी। नंबर 12, तापसी ने हाल ही में एक मैगजीन फोटोशूट के दौरान खुद को कंगना से इंस्पायर बताया। दरअसल तापसी से जब ये पूछा गया कि आप बॉलीवुड में किन एक्ट्रेसेस से इंस्पायर्ड हैं, तो इस पर तापसी ने तीन एक्ट्रेसेस के नाम लिए थे, जिनमें प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत और अनुष्का शर्मा थी। तापसी ने प्रियंका के बारे में कहा कि उन्होंने खुद को जिस जगह स्थापित किया है वो काफ़ी प्रेरणादायक है। वहीं कंगना के बारे में तापसी ने कहा कि कंगना बिना किसी की परवाह किए अपनी आवाज़ उठाती हैं, और अनुष्का के बारे में तापसी ने कहा कि अनुष्का बहुत ईमानदार हैं और इन तीनों एक्ट्रेसेस से मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। नंबर 13, तापसी के बारे में ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वे अपनी बहन सगुन पन्नू और फ्रेंड फारा परवेज के साथ मिलकर बिजनेस भी करती हैं। दरअसल इन तीनों ने द वेडिंग फैक्ट्री नाम की एक कंपनी भी बनाई है जो शादी का प्लान करती है। दरअसल तापसी उन लोगों के लिए काम करना चाहती हैं जो शादी के लिए अनोखी जगह पर अनोखी स्टाइल में शादी का प्लान करते हैं, जो चाहते हैं कि उनके या उनके बच्चों की शादी बिल्कुल अलग जगह और अलग अंदाज में हो। इसलिए तापसी ने देश भर में घूमकर इस तरह के जगहों की लिस्ट भी बनाई है जहां लोग शादी करना पसंद करेंगे। तापसी मानती हैं कि इस तरह की शादियां मध्यम बजट में भी संभव है। नंबर 14, तापसी बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से एक है जो न केवल अपनी एक्टिंग बल्कि अपनी खूबसूरती और फिटनेस के लिए भी जानी जाती हैं। तापसी अपनी फिटनेस को बनाए रखने के लिए काफ़ी मेहनत करती हैं। जहां आमतौर पर एक्टर्स जिम में खूब पसीना बहाते हैं, वहीं तापसी अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए जिम में ज़्यादा वर्कआउट के बजाय स्क्वैश खेलना पसंद करती हैं। तापसी का मानना है कि वर्कआउट के साथ आपका खेलना भी जरूरी है। आपको बता दें कि तापसी अपनी फिटनेस के लिए रोजाना आधे घंटे स्क्वैश खेलती हैं। नंबर 15, फिल्म स्टार की आंख में तापसी के अभिनय को काफ़ी पसंद किया गया, लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि तापसी से पहले ये फिल्म कंगना रनौत को ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था, जिसके बाद इस फिल्म में तापसी को कास्ट किया गया। वहीं जब एक इंटरव्यू के दौरान तापसी से पूछा गया कि ये फिल्म पहले कंगना को ऑफर हुई थी लेकिन उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया, इस बारे में आपका क्या कहना है, इस पर तापसी ने कहा कि फिल्म मेकर्स इस रोल के लिए कंगना के पास गए होंगे। वास्तव में वे कई एक्ट्रेस के पास गए थे लेकिन किसी ने इस फिल्म के लिए हामी नहीं भरी। जहाँ तक मेरा सवाल है तो मेकर्स ने इस फिल्म के लिए मुझे कभी अप्रोच नहीं किया। जब मुझे पता चला कि इस तरह की फिल्म बनने की प्लानिंग चल रही है तो मैं खुद मेकर्स के पास गई। तापसी ने कहा कि मुझे ये बात स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं। आपको बता दें कि इस फिल्म में तापसी और भूमि ने 60 साल की शूटर दादी का रोल निभाया था। इस फिल्म की रिलीज से पहले तापसी और भूमि के रोल की काफ़ी आलोचना भी की जा रही थी। लोगों का कहना था कि एक्ट्रेस इस रोल के लिए बहुत छोटी हैं। इस पर तापसी ने भी अपना रिएक्शन दिया था। तापसी ने कहा कि हम एक्ट्रेस हैं, क्या मुझे सिर्फ अपनी उम्र की लड़कियों के किरदार निभाने चाहिए? एक एक्टर के तौर पर मेरा मानना है कि मुझे हर उम्र और अलग अलग तरह के चैलेंजिंग किरदार निभाने चाहिए। नंबर 16, तापसी पन्नू इन दिनों अपनी फिल्म थप्पड़ को लेकर काफ़ी चर्चा में है। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज किया गया है जिसे दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तापसी इन दिनों अपनी फिल्म थप्पड़ का प्रमोशन कर रही हैं। तापसी ने अपने फिल्म प्रमोशन के दौरान बताया कि मेरे को स्टार पावल इस बात से इतना घबराए हुए थे कि उन्हें मुझे जोर से थप्पड़ मारना है। वो इतना ज़्यादा डरे हुए और बेचैन थे कि उन्हें मानसिक तौर पर इस शॉट के लिए तैयार होने में 2 दिन लग गए। तापसी ने बताया कि मुझे इस शॉट को परफेक्ट करने में काफ़ी रीटेक लग गए। इस फिल्म में केवल एक ही थप्पड़ दिखाया जाएगा लेकिन इस शॉट को पूरा करने में मुझे 7 थप्पड़ यानी 7 रीटेक लग गए। मुझे लगता है कि मैंने पूरी फिल्म में इतने रीटेक नहीं दिए हैं। तापसी ने कहा कि ये सीन काफ़ी महत्वपूर्ण था और हम इसे हल्के में नहीं ले सकते थे। फिल्म के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने कहा था कि ये सीन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए ताकि ऑडियंस जब इसे पर्दे पर देखे तो ये काफ़ी प्रभावशाली लगे। तापसी ने इस किरदार के बारे में बात करते हुए कहा कि ये कैरेक्टर मेरे लिए काफ़ी अलग था और मैंने इसे चैलेंज की तरह लिया। इस फिल्म की शूटिंग के 15 दिनों के बाद मैं काफ़ी घुटन महसूस करने लगी थी क्योंकि मेरी जैसी तेज सरार पर्सनालिटी है उस हिसाब से मुझे इस किरदार में ढलने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। आपको बता दें कि इस फिल्म में तापसी के अलावा दिया मिर्जा और राम कपूर जैसे स्टार्स नजर आएंगे। नंबर 17, तापसी बॉलीवुड में कई हिट फिल्में देने के बावजूद
भी खुद को स्टार नहीं मानती। आपको बता दें कि 2019 तापसी के लिए काफ़ी अच्छा रहा। इस साल उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई और सभी सफल रही और सभी फिल्में उनके अभिनय की तारीफ भी की गई। वहीं तापसी का मानना है कि उन्हें भी स्टार नहीं कहा जा सकता। स्टारडम को लेकर तापसी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि मेरा मानना है कि स्टारडम ज़्यादातर लोगों के लिए पाला हुआ एक भ्रम होता है। मैं अपना स्टारडम तभी मानूंगी जब लोग मुझे देखने के लिए बाहर निकलें। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली तापसी का मानना है कि इंटरनेट के इस ज़माने में स्टार की परिभाषा बदलने में सोशल मीडिया ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तापसी का कहना है कि आज सब कुछ ऑनलाइन है और हर एक जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध है, इसलिए दर्शक आप तक आसानी से पहुंच सकते हैं क्योंकि वे जब चाहे तब आपकी फिल्में ऑनलाइन देख सकते हैं। तापसी कहती हैं कि वह खुद को स्टार तभी मानेंगी जब आसानी से उपलब्ध मनोरंजन के आज के दौर में दर्शक अकेले उनके नाम पर सिनेमाघरों तक आए। इसके आगे तापसी ने कहा कि अगर दर्शक आपका बड़े पर्दे पर बेसब्री से आने का इंतजार करते हैं और आपकी फिल्मों की टिकट खरीदकर आपकी फिल्में देख रहे हैं तभी आप एक स्टार हैं, और अगर ऐसा किसी एक्टर के साथ होता है तो उन्हें खुद को स्टार समझना चाहिए। नंबर 18, तापसी ने अब तक के अपने फिल्मी करियर के दौरान थ्रिलर, ड्रामा, एक्शन, स्पोर्ट्स, रोमांटिक, कॉमेडी और बायोपिक हर तरह के किरदार निभाए हैं। वहीं जब एक शो के दौरान तापसी से पूछा गया कि अब वो किस तरह का किरदार निभाना चाहती हैं तो इस पर तापसी ने कहा कि मैं इंडियन सुपर हीरो बनना चाहती हूँ, मैंने इस तरह का किरदार अभी तक नहीं निभाया है। नंबर 19, तापसी को स्पोर्ट्स से भी काफ़ी लगाव है। तापसी ने 2018 में बैडमिंटन प्रीमियर लीग में अपनी एक टीम भी खरीदी थी। नंबर 20, तापसी के आने वाली फिल्मों की बात करें तो तापसी जल्दी हसीन दिलरुबा, रश्मि रॉकेट और फिर इंडियन वुमेन क्रिकेटर मिताली राज की बायोपिक शाबाश मिट्टू में नजर आएंगी। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सी फिल्म में आपको तापसी की एक्टिंग सबसे ज़्यादा पसंद आई। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल सेलिब्रिटी का ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।